नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में पंचक का विशेष महत्व माना गया है। पुरातन काल में शुभ कार्यों को करने से पहले पंचक की स्थिति जानने का प्रचलन था। मान्यता है कि पंचक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अप्रैल में पंचक कब लग रहा है, आइए आज हम आपको बताते हैं। पंचांग के अनुसार पंचक 25 अप्रैल 2022 सोमवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से लग रहे हैं। पंचक का समापन 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार को होगा। इस दिन शनि का राशि परिवर्तन भी होगा। इस दिन शनि मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। पंचक के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अब हम आपको बताते हैं। पंचक प्रारंभ होंगे 25 अप्रैल सोमवार को सुबह 5:30 से और उनकी समाप्ति होगी 29 अप्रैल शुक्रवार शाम 6:43 पर। पंचक क्या होते हैं? पंचक के बारे में मुहूर्त चिंतामणि में वर्णन मिलता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार चंद्रमा का गोचर जब घनिष्ठा शतविष पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती में होता है नक्षत्र में, तो पंचक लगता है। तभी जब चंद्रमा का गोचर कुंभ और मीन राशि में होता है तो भी पंचक की स्थिति बनती है। पंचक को भदवा के नाम से भी जाना जाता है। पंचक जिस दिन से आरंभ होता है उस दिन के अनुसार ही इसका नाम तय होता है। जैसे पंचक जब रविवार से आरंभ होता है तो इसे रोग पंचक और सोमवार से प्रारंभ होने पर राज पंचक, मंगलवार के दिन जब पंचक प्रारंभ होता है तो इसे अग्नि पंचक, शुक्रवार से प्रारंभ होने वाला पंचक चोर पंचक कहा जाता है और शनिवार से प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। पंचक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब बुधवार और गुरुवार से पंचक प्रारंभ होता है तो पंचक के 5 कार्यों के अतिरिक्त शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। इस बार लगने वाला पंचक राज पंचक कहा जा रहा है क्योंकि ये सोमवार से शुरू हो रहा है। इसे शुभ पंचक माना जाता है। राज पंचक में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ये पंचक कार्य में सफलता दिलाती है। इस पंचक में जमीन जायदाद से जुड़े कार्य आज आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।